Hi everybody, welcome to your legal buddy. So today we will be discussing chapter 5, that is summons, searches and seizures in prevention of money laundering act. ठीक है ना, तो it is a very important section and a very powerful section. ठीक है ना, तो let us study. We will be studying section 16, that is power of survey. So let's see what section 16 has to say. ठीक है, now it is saying notwithstanding anything contained in any other provision of this act. ठीक है, वो कह रहा है कि इस provision, इस act में कुछ भी authority के बारे में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है. जो यहाँ पे लिखा उसको ध्यान दीजिए. यहाँ पे क्या लिखा है, on the basis of material in his possession. Now जो अथॉरिटी में पर्सन है, अथॉरिटी मतलब किसी भी बॉडी की जो अथॉरिटेटिव पोजीशन होती है, जैसे बैंक का मैनेजर हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो गया या प्रेसिडेंट हो गया. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन, उसके पास जो भी पोजीशन है, जो भी मटेरियल है उसके पोजीशन में, ही हैज द रीजन टू बिलीव, जो भी मटेरियल उसके पोजीशन में है, एंड ही हैज द रीजन टू बिलीव that an offence under section 3 has been committed. Now offence under section 3 has been committed का मतलब ये हो गया है कि section 3 में कुछ scheduled offences के बारे में बात कर रही है. Scheduled offences में ऐसा है कि आपने उन offences करके जो पैसा कमाया वो एक laundered money माना जाता है. ठीक है, तो उस schedule को देखते हुए आपने अगर कोई offence कर रखा है तो, और authority के पास कुछ ऐसे evidence है जो उसके possession में है, and he has the reason to believe. Now this is a very controversial 4 to 5 words. That he has the reason to believe. Authority के पास reason है believe करने का. And that reason, obviously that reason he has to record, he has to note down in writing. ठीक है ना? First of all, दो तीन चीजें हैं. उसके पास possession में कुछ evidence है और उसको ऐसा लगता है he has the reason to believe कि laundered money laundering हुई है. And he has to record that reason in the writing. ठीक है? अब अगर उसके पास ये सब चीजें हैं, then what he can do? He may enter any place within the limits of the area assigned to him. ठीक है? Or what other thing that he can do in respect of which he is authorized for the purposes of this section by such other authority who is assigned the area within. अब वो कह रहा है कि या तो खुद उस एरिया में जाके घुस के वो खोजबीन कर सकता है या किसी और को ये काम सौंप सकता है. ठीक है ना, वो कह रहा है at which any act constituting the commission of such offence is carried on and may require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any matter to or helping in such act so as to. अब वो कह रहा है कि वहाँ पे जो कोई भी लोग होंगे उसको ये सर्वे कंडक्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, afford him to necessary facility to inspect such records. ठीक है, to check and verify proceeds of crime. ठीक है, another thing, furnish such information as he may be required. ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो घुस अपने जो भी उसको रीजंस लगे उसके बेसिस पे जाके घुस के सब कुछ चेक कर सकता है. ठीक है ना, ठीक है, वेरी वेरी पावरफुल सेक्शन. लॉट ऑफ पावर हैज बीन गिवन टू अथॉरिटी हियर. द अथॉरिटी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस रेफर टू इन द सबसेक्शन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ रीजंस. नाउ अब वो कह रहा है कि उसने जो सर्वे कंडक्ट करा किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर घुस के जो भी रिकॉर्ड चेक करे या कुछ भी एक तरीके से मिनी इंट्रोगेशन करा, मिनी सर्च करा, उसका एक उसको पूरा लिखा जोखा ही हैज टू नोट डाउन एवरीथिंग इन राइटिंग एंड ही हैज टू फॉरवर्ड दैट थिंग टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन अ सील्ड एनवेलप. ठीक है, सील्ड एनवेलप से उसको सब कुछ भेजना होगा आगे. नाउ व्हाट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ ही डजंट सेंड दोस रिकॉर्ड्स इन द सील्ड एनवेलप, इसके बेसिस पे बेल हो जाती है. ठीक है, सील्ड एनवेलप नहीं होगा तो देयर शोस सम देयर आर चांसेस दैट सम ग्रे मोटिव ऑफ द अथॉरिटी इज इन्वॉल्वड. ठीक है ना, नाउ सेक्शन 17 व्हाट डज इट से. सेक्शन 17 कहता है सर्च एंड सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. वेयर द डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे एसआईटी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो. ठीक, वेयर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर on the basis of information in his possession, on the basis of information in his possession, ठीक है, has reason to believe. ऊपर वाले में सिर्फ सर्वे कंडक्ट हुआ, उन्होंने थोड़ा बहुत देख के आ गए. ठीक है, now अब सर्च एंड सीजर में क्या होगा, सर्च एंड सीजर में होगा चीजों को आप सीज कर सकते हो. ठीक है, पढ़ेंगे. ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्टर के पास पावर है, वहां पे अथॉरिटी के पास पावर थी. ठीक है, 16 में नाउ डायरेक्टर, और इस डायरेक्टर में भी यही है फॉर इसमें है कि मटेरियल पोजिशन जो उसके हाथ में है, जो भी मटेरियल उसके पोजिशन में है, एंड ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट
someone has committed an act which constitutes money laundering or is in possession of proceeds of crime. Now थर्ड पॉइंट देखिए कितना ही ज्यादा पावरफुल है, इज इन पोजिशन ऑफ एनी रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग. नाउ अगर आपके घर के आजू बाजू कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है ना, एंड आपके पास नोइंगली और अननोइंगली उसका रिकॉर्ड है, ठीक है ना, कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है. नाउ ठीक है, अगर आपने काम करा भी नहीं है, इफ यू हैवंट इवन इफ यू आर नॉट इवन इन्वॉल्व्ड इन द मनी लॉन्ड्रिंग, यू ओनली हैव द रिकॉर्ड ऑफ दैट मनी लॉन्ड्रिंग थिंग, देन ऑल्सो आपके ऊपर डायरेक्टर ये कुछ स्टेप्स ले लेगा, ठीक है. नाउ then subject to the rules made in this behalf he may authorize any officer, ठीक है, enter and search any building, ठीक है, enter and search any building. अब अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है या आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या शक होता है कि आपके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, या आप कुछ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी आई है उसके आप पोजिशन में है, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है. डायरेक्टर कैन एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, ठीक है, उस बिल्डिंग में घुस सकता है, सर्च हो जाएगा. ब्रेक ओपन एनी लॉक, ठीक है, तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा कोई लॉक, सील, अलमारी, किसी को भी, ठीक. सीज एनी रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, सीज एनी रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच सर्च. सीज एनी रिकॉर्ड, ऐसा भी नहीं है कि सीज रेलिवेंट रिकॉर्ड, सीज एनी रिकॉर्ड, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बच्चों के खाते हैं उसमें, वो आपको सीज कर दिया जाएगा वो खाता, ठीक है. प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच रिकॉर्ड, ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट. एफ क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजीशन, ठीक है ना, जो भी पोजीशन में उसको आप ओथ पे एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है. जैसे सेक्शन 161 जो सीआरपीसी का है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सामने जो हम लोग स्टेटमेंट देते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये हो गया सेक्शन 16. नाउ यहाँ पे भी वही है कि जो भी आपके एविडेंस जो आपको मिले हैं, जो भी आपने कुछ सीज करा है और आपके जो भी आपको लगा था कि reasons recorded in writing, that all has to be sent to the adjudicating authority, ठीक है, वो क्लॉज टू में है. देयर एन अथॉरिटी अपॉन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक. नाउ ये सेक्शन 16 17 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दी दोनों सेक्शन, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही रखते हैं. सर्च एंड सीजर जिसके लिए पीएमएलए बहुत ही ज्यादा बदनाम है वो आज हम लोग ने कवर कराया है, ठीक है, आगे हम लोग और वीडियोस बनाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू.